क्या ये लास्ट नॉट सेट होने वाला है या इससे आगे भी होने वाले नॉट सेट परमानेंट होंगे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाले, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैसर मोजा पढ़ाया असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय नॉट सेट 7.0 की तैयारी जोरों से चल रही है और एक पीडीएफ ने बिल्कुल हाहाकार मचा दिया है। इस समय लगातार बच्चों के पास मैसेजेस आ रहे हैं और लगातार इस प्रकार से इस मन में एक बहुत बड़ी दुविधा चल रही है, क्या सर ये नॉट सेट जो 7.0 होने वाला है क्या ये लास्ट परमानेंट नॉट सेट होगा या आने वाला नॉट सेट 8.0 भी परमानेंट होगा या नहीं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाला है। इस समय ये आपके मन में लगातार दुविधाएं चल रही है और इस लगातार दुविधा के लिए बच्चे लगातार जो मेहनत कर रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं और इस समय लगातार मेरे पास फोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाया है। तो सबसे पहले ध्यान दें कि नॉट सेट 7.0 इस समय आप तैयारी कर रहे हैं और दमदार तैयारी आपकी इस समय लागू है। अब बच्चे जो बच्चे इस समय पास आउट हो रहे हैं और जो नॉट सेट 8.0 के लिए तैयार हो रहे हैं उन वो बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं और जो बच्चे इस समय तैयारी भी कर रहे हैं तो उनके बारे में माइंड में एक जो पीडीएफ है वो बार बार उसको खंगाल रही है कि क्या यार नेक्स्ट नॉट सेट कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। तो मैं ये पूरी जानकारी आपको देने आया हूं। तो अभी हाल के दिनों में कुछ ही दिन पहले एम्स दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग्स में सारे पॉइंट डिस्कशन किए गए। उस मीटिंग्स के अंदर डिस्कशन किया गया, इंफॉर्मेशन आई है कि हाँ ऐसा ये 100% श्योरिटी नहीं है। अभी तक मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूं, इसमें बिल्कुल मैं पहले से ही बोल रहा हूं कि 100% जब तक कोई एक मेमोरेंडम नहीं आ जाता तब तक आपको श्योरिटी नहीं मिलती है। ऐसा माना गया है कि हाँ उसके माइंड नोट्स की एक पीडीएफ जो मार्केट के अंदर लगातार घूम रही है और उस माइंड नोट्स की पीडीएफ के अंदर ऐसा लिखा गया है कि आने वाले समय में जो एम्स में जो भर्ती होने वाली है क्या उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दिया जाए या उसकी जो लिमिटेशन है या जो प्रमोशन जो पीरियड है प्रोबेशन जो पीरियड है उसको बढ़ा दिया जाए, ऐसे डिस्कशन किए गए। क्या नॉट सेट की जगह एनटीए को लागू कर दिया जाए कि जो एक एजेंसी है जो कि एग्जाम को करवाती है, नीट जैसे एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, ऐसे डिस्कशन वहां पर किए गए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नॉट सेट के लिए डिस्कशन किया गया, बहुत सारे एग्जामों के लिए डिस्कशन हुआ है, बहुत सारी चीजों के लिए डिस्कशन उसमें मेंशनड है, लेकिन ये अभी तक प्रत्यापित नहीं है कि हाँ ये बिल्कुल सच है या झूठ है। ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। हाँ आपके मन में बहुत सारा डाउट चल रहा होगा कि हाँ सर क्या होगा इसके बारे में बात करें, तो भैया ऐसा अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा इंफॉर्मेशन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी आउटपुट ऐसा नहीं है कि हाँ इस प्रकार का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती होने वाला है। अभी आप दिमाग से बिल्कुल ये माइंड से निकाल दें कि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और ध्यान रखें ऐसा होगा भी नहीं, ऐसा चांसेस है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। हाँ जरूर जरूर ये हो सकता है कि आपको आने वाले समय में नौकरी लगने के लिए जो एम से कुछ प्रोसेस बढ़ा सकता है, जिस प्रकार से प्रीलिम्स को मेंस किया और उसके बाद कुछ और चीजें कर सकता है, ऐसी चीजें हो सकती है, लेकिन ये भी कंफर्मेशन नहीं है। मैं इसका भी एश्योरिटी आपको नहीं दे रहा हूं कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन याद रखें ऐसी खबर अभी तक कहीं पे भी नहीं है कि हाँ नॉट सेट जो आने वाला जो नॉट सेट है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होगा या परमानेंट पे होगा, बिल्कुल निश्चित हो जाए। बहुत सारे बच्चों के मन में एक पीडीएफ का एक माइंड नोट्स होता है, हर एक मीटिंग्स के बाद एक माइंड नोट्स लिखा जाता है कि हाँ भाई इस मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ क्या क्या डिस्कशन हुआ, उसमें पॉजिटिव डिस्कशन भी होते हैं नेगेटिव डिस्कशन भी होते हैं, तो उनको सबको लिखना पड़ता है, उनको सबको लिखना पड़ता है क्योंकि वो एक रिटर्न में रहना चाहिए। अगर वो पीडीएफ किसी के पास आ जाती है या कहीं गलती से बाहर है तो अगर उसको देख के लोग नेगेटिव चीजों को पकड़ के उसको हा हुल्ला कर रहे हैं कि हाँ ऐसा 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 ऐसा, जबकि उसमें बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी होती है उसको भी देखना होता है। तो ध्यान रखें ऐसी खबर आपके पास अगर आ रही है तो बिल्कुल भी निश्चित हो जाए, टेंशन नहीं ले, इस समय फोकस करें अपने गोल पर, नॉट सेट 7.0 के गोल पे फोकस करें। ऐसा नहीं कि इस चिंता में अरे यार ये हो गया ये हो गया, अरे नहीं भैया ऐसा नहीं, अभी कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, अभी तो बस एक माइंड नोट्स आया, उसमें इतना डरने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात डरने की तो 101% जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, कितना भी कुछ भी करें ना जो बच्चा मेहनती है ना वो 100% सिलेक्शन होता है। पहले 200 का एग्जाम होता था उसके बाद प्री और मेंस हो रहा है, फिर भी बच्चे टॉप रैंक लेके आ रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं होती है, ये एक प्रोसेस होता है। और आपको भी पता है कि जहां पे भी आप काम करते हैं वहां पे मीटिंग्स होती होगी, प्राइवेट हॉस्पिटल देखे होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखे होंगे, वहां पे मीटिंग्स होती है और उस मीटिंग्स के बाद
ऐसा नहीं कि वर्बली चल जाए हाँ ठीक है हो गया, ना ना ऐसे एक माइंड नोट लिखा जाता है, उसके अंदर लिखा जाता है कि आज क्या डिस्कशन हुआ, क्या चीजें हुई। जैसे आप रिपोर्ट लिखते ना वैसे ही वो रिपोर्ट होती है, और उसमें पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, इस समय मेहनत करने की जरूरत है और लगातार टीएनसी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो दिमाग के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आगे बढ़ते रहिए, और अभी तक इस खबर का कोई भी किसी भी तरीके से संबंध यानी सत्यता के साथ कोई संबंध नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ जरूर एक चीज हो सकती है कि इसका एग्जाम की एजेंसी को जरूर जरूर चेंज हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी इंडिया के जितने भी बड़े बड़े एग्जाम है वो एनडीए के अंडर में जा रहे हैं, तो हो सकता है ये भी एग्जाम जा सकता है, और अभी तक ये कोई फाइनल नहीं है। हाँ इतना जरूर फाइनल हो सकता है कि हाँ पूरे जो जितने भी एग्जाम है जितने भी बड़े बड़े संस्थानों के एग्जाम है उसको एक पाइप में एक लाइनअप में लाके खड़ा करने की कोशिश 100% चांसेस लग रहे हैं हो सकता है, और ये आपके लिए जरूर जरूर फायदेमंद होता है। डरे नहीं, ऐसा कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई ताकत के साथ एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।